बैक टू माई चैनल। दीपिका और रणबीर मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं। दे गॉट रिसेंटली मैरिड, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ दैम। एंड दीपिका इज लुकिंग अमेजिंग इन बोथ द अटायर, सिंधी एज वेल एज कोंकणी स्टाइल। एंड टुडे आई विल शो यू कोंकणी स्टाइल मेकअप ऑफ दीपिका। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। मैंने यहाँ गार्नियर की मॉइस्चराइजिंग क्रीम को अप्लाई किया है और अब मैं अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पतंजलि का एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ मैक का फाउंडेशन ले रही हूँ और अब मैं ब्रश की हेल्प से फेस, नेक, ईयर पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। मैंने इस मेकअप लुक में जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं मैं उन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप इस पिक को ध्यान से देखेंगे तो फाउंडेशन के अलावा केवल कॉन्टोर दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत ही हल्का सा। कॉन्टोरिंग के लिए मैं एक फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ क्रीम बेस कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ क्रायलॉन का डार्क कलर लिया है और अब मैं अपने कॉन्टोरिंग पॉइंट्स को कॉन्टोर कर लूँगी, जैसे कि हॉलो ऑफ माय चीक्स, जॉ लाइन पर एंड नोज़। ये तीनों जगहों पे मैं ये डार्क कलर को अप्लाई करूँगी और एज अ कॉन्टोर यूज़ करूँगी। और इस कलर को मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं यहाँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए। मैं यहाँ पफ की हेल्प से केवल टैप करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अब मैं एक ब्रश की हेल्प से अपनी नोज़ को कॉन्टोर करूँगी। नोज़ को मैं अब शार्प दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा कॉन्टोर करूँगी। बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया हुआ है दीपिका ने उस पिक में, तो मैं अपने एले प्रो कंसीलर को लूँगी और अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ एले प्रो कंसीलर ले रही हूँ और केवल मैं इसको अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई करूँगी और बिज ऑफ माय नोज़ पर अप्लाई करूँगी और अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और मैं सेम कंसीलर अपने अपर आईलेट पे भी अप्लाई करूँगी एज अ आई शेडो बेस। आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए मैं आईब्रोज़ के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कंसीलर अप्लाई करूँगी। दीपिका की आईब्रोज़ राउंड में हैं तो मैं यहाँ पर राउंड में ही कंसीलर अप्लाई करूँगी सो डैट मेरी आईब्रोज समहाउ उनके जैसे। और अब मैं अपनी हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट से ये ब्राउन कलर लूँगी और अपने आई शेडो ब्रश से आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी अप्लाई करना कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में। और इसके बाद मैं अपनी शिवाना आई शेडो पैलेट लूँगी और डार्क ब्राउन कलर को आउटर कॉर्नर में अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से। और यही सेम कलर मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करूँगी। दीपिका के आई शेडो में आउटर कॉर्नर में डार्क कलर अप्लाई किया है इसलिए मैं यहाँ अपने आउटर कॉर्नर में ग्रे कलर को यूज़ कर रही हूँ और ग्रे आई शेडो को मैं ब्रश की हेल्प से
ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। दीपिका मोस्ट ऑफ द टाइम विंग्ड आईलाइनर ही लगाना पसंद करती हैं। मैंने यहाँ बहुत ही हल्का सा विंग लाइनर लगाया है। आईलाइनर और काजल के बाद मैं लैश कर्लर की हेल्प से अपने लैशेस को कर्ल कर लूँगी और उसके बाद मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ करूँगी। और अब मैं फ्लफी ब्रश को लेके अपने फेस पे से एक्सेस पाउडर को निकाल लूँगी और अब मैं यहाँ आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ। दीपिका ने ब्राउन कलर की लिपस्टिक को अप्लाई किया है। मैं यहाँ ब्राउन लिप पेंसिल को अपने लिप्स पर एज अ लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। और ऑफ कोर्स अ बिंदी, दीपिका ने बहुत छोटी सी बिंदी अप्लाई की है। और ये है मेरा फाइनल लुक। और अगर आपको मेरा ये इंस्पायरिंग मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।